हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। तो ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या है कि हार्ट से जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है पूरी बॉडी में, वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। हार्ट से जो वेन निकलती है, आर्टरी निकलती है, क्या फंक्शन है किसका, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो लेट्स बिगिन। यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो हम सबको पता है कि भाई सभी ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें चाहिए, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, तो उनको ये सब चीज़ें सिर्फ चाहिए ही नहीं, इस तरह से चाहिए कि वो पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। एनिमल्स में जो वेस्ट बनता है वो भी उसको भी रिमूव करने का मैकेनिज़्म उनके पास होना चाहिए। तो ये सब किस तरह से अचीव होता है, अब ये फिगर पे देखिए। डू यू सी दैट हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तो इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स ही दिखा रखे हैं। जो रेड कलर में है वो आपकी आर्टरीज दिखा रखी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, और जो ब्लू कलर में है वो वेन्स दिखा रखी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। ठीक है, तो दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हार्ट और जो आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं, ये टुगेदर क्या फंक्शन अचीव करती हैं, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स क्या फंक्शन अचीव करती हैं, टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर, इन दोनों चीज़ों को मिलके क्या बोलते हैं हम, हार्ट एंड जो आपके ब्लड वेसल्स को मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो इस चैप्टर में हम सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल में कैसे होता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले अपना आ जाएगा ब्लड। ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम में किस चीज़ के थ्रू, किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है भाई पूरी बॉडी में, ब्लड की हो रही है। उसके अंदर ही सारे ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फूड के जो भी जो डिसॉल्व होता है वो सब ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं, और ब्लड ही उनको डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है बॉडी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड है। What happens when you get a cut on your body? बॉडी में कोई कट लगता है तो ब्लड निकलता है भाई। बट वट इज़ ब्लड, ब्लड है क्या? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो है ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, तो वो किसके अंदर हो रहा था, ब्लड के अंदर ही हो रहा था। तो सबसे पहले क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन लेके जाएगा फ्रॉम लंग्स टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ये एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो रिमूव हो सके। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड सारे सब्सटेंसेस कैरी कैसे करता है, ब्लड इज लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ब्लड क्या है, लिक्विड है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। कौन से टाइप की सेल होती हैं, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो एक फ्लूइड है जिसको प्लाज्मा बोलेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। कौन सी सेल्स हैं भाई, रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं RBCs, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट होता है रेड, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन भी क्यों रेड होता है, क्योंकि उसके सेंटर में आयरन होता है।
हीमोग्लोबिन जो है इसका फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स। तो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बिना उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड इन कलर है, रेड कलर पिगमेंट है, तो उसकी वजह से ही जो उसका कलर होता है ब्लड का वो रेड होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स का पता चल गया हमें, उसके अंदर रेड रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है? वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर हीमोग्लोबिन या RBC बोलो नहीं होगा तो उससे ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में डिफ़िकल्टी आएगी और इसकी वजह से ही ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। उसके बाद आती हैं वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर, हमारी बॉडी में कोई जो जर्म्स एंटर करेंगे उनको फाइट करने में ये हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स। पूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। ठीक है, तो बूझो भाई कोई भी बूझो क्या कोई भी गिर जाए तो अगर कट लग गया कहीं बॉडी में तो ब्लड निकलेगा, और लेकिन कुछ टाइम बाद वो ब्लड जो है निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे डार्क रेड क्लॉट आ जाता है उसकी जगह पे। तो इसका ये कैसे होता है? द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो तीन तरह की सेल्स हैं हम ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, RBCs, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन और उसकी वजह से ही ब्लड का कलर रेड है। WBCs क्या करती हैं? दे फाइट अगेंस्ट कोई भी जो शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई जर्म्स एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट कौन फाइट करता है? वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो ब्लड हो गया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट क्या है? ब्लड। सेकंड आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? जो ब्लड को कैरी करेंगे वो ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड अपने आप नहीं जाएगा, एक वेसल्स के थ्रू जाता है, पाइप्स एक तरह तरीके से लगा लो, उनको हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। बॉडी में अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। अभी लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो जब इनहेलेशन होती है तो ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई जाती है लंग्स के अंदर। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट, ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड में ये एब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन इन द लंग्स। लंग्स में जो ब्लड होगा वहाँ वो एब्जॉर्ब करता है उसको और फिर हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट होती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। बाकी सेल्स में जो भी वेस्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जो उसके रेस्पिरेशन के बाद बनता है, और भी जो जो वेस्ट बन रहे हैं वो भी सब ब्लड पिक करता है फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो ब्लड है अलग अलग सेल से पिक करे होके ये वापस जाएगा हार्ट में, हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी और फिर से आएगा वो हार्ट में वापस और फिर से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप के हो गए? दो तरह के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए, स्टार्टिंग में अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करें तो पहले कौन सा लेटर आता है? ए। तो मतलब कि हार्ट से जो निकल रहा है, अब आप ये मान के चलो कि हार्ट से जो निकल रहा है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अनलेस वो लंग्स में नहीं जा रहा होगा।
लंग्स में जो हार्ट हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अदरवाइज जो हार्ट से निकलता है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो आर्टरी कैरी करती है। तो जो निकलता है ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड जो निकलता है हार्ट से वो कौन कैरी करता है? आर्टरीज कैरी करते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वेल्स। अब जब ब्लड निकलता है जब हार्ट से तो एक हाई प्रेशर के साथ निकलता है। हाई प्रेशर के साथ क्यों निकलता है? अगर नहीं निकलेगा तो वो एकदम से उसका इतना बन नहीं पाएगा कि पूरी बॉडी में वो जा सके, इतना प्रेशर होगा नहीं तो फटाफट से वो जाए हार्ट से निकल के अलग अलग पार्ट्स में, तो उसके लिए होता है वो प्रेशर के साथ निकले। और इस वजह से जो है क्योंकि उस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए आर्टरीज जो हैं थिक होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं उनकी। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, तो इसका रीज़न हमें पता चल गया कि इलास्टिक थिंक थिक वॉल्स किसकी होंगी? आर्टरीज की होंगी। अब ये बोल रहा है कि भाई प्लेस मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो रिस्ट पे अगर आप उंगलियां रख के देखोगे तो आपको एक पल्स या थ्रॉबिंग महसूस होगी और उस थ्रॉबिंग को आप क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। ये किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो जो थ्रॉबिंग आप फील करोगे वो ब्लड फ्लो की वजह से है जो कि आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। अब कि 1 सेकेंड 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ पल्स या बीट्स आपको सुनाई देते हैं आप वो काउंट कर सकते हैं और वो आपका पल्स रेट होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड द पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। तो एक रेस्टिंग पोजीशन में जो इंसान है तो उसका 72 से 80 के बीट्स में होता है पल्स रेट। तो और कहाँ कहाँ आप बॉडी में फील कर सकते हो? कई जगह पे आप फील कर सकते हैं। तो एंड रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट और सभी अपने क्लासमेट्स का, तो उसी आपका टेबल एक तरह से बन जाएगा। अब आर्टरीज होगी कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट से और थिक वॉल्स इनकी होती हैं, इलास्टिक थिक वॉल्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स क्या है? जो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस जाती हैं हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती हैं हार्ट की ओर, उनको बोलते हैं वेन्स। अब वेन्स में क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जैसा कुछ नहीं होगा तो उनकी थिन वॉल्स होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर के साथ नहीं फ्लो कर रही ब्लड इन द वेन्स तो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वेन्स में, विच वो क्या करती हैं वॉल्स एक ही डायरेक्शन में ताकि ब्लड फ्लो हो वापस ना आ जाए कहीं, तो उसको उस रीज़न की वजह से वहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वेन्स में। तो ये डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे आर्टरीज और वेन के बीच में तो ये डिफरेंस आएंगे कि भाई आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट से, वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से लेके जाती हैं हार्ट की तरफ। आर्टरीज की थिक वॉल होती है, इलास्टिक वॉल होती है और इसकी जो है थिन वॉल होगी। आर्टरीज में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, वेंस में वॉल्स प्रेजेंट होंगी। आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, वेंस में हाई प्रेशर के साथ नहीं फ्लो करेगा। तो ये हमें दिया हुआ है डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। तो इसमें क्या है कि जो वेंस जो हैं वो वेन डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाएंगी हार्ट में। हार्ट से वो ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। ठीक है, लंग्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा वापस से हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन और फिर वापस आर्टरी के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा। और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ ये दोनों मिलती हैं आर्टरी और वेन, उन वहाँ पे ये डिफरेंट छोटी छोटी और कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्केमेटिक डायग्राम है, आपको बनाना आना चाहिए। अब हमने पढ़ा था कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती हैं हार्ट से वो आर्टरी होती है। ठीक है,
तो अब आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भाई हार्ट से जो निकलती है, मतलब हार्ट से बाहर की तरफ लेके जाती है ब्लड को, वो भी आर्टरी है एक तरह से लगा लो। यहाँ पे बस एक डिफरेंस हो जाएगा कि वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी के केस में हम बात कर रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो निकल तो हार्ट से ही रही है, हार्ट से ही ब्लड लेके जाएगी, आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाएगी। तो ये दोनों थोड़े से एक्सेप्शन है इन केस ऑफ कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टरी वैसे जनरली जो भी आर्टरी होगी वो ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के केस में थोड़ा उल्टा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी। सिमिलरली पल्मोनरी वेन, वेन्स जनरली क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो लंग्स से जो वेन आ रही है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है। क्लियर है ये चीज़? तो ये फ्लो डायग्राम हमें दिया हुआ है। अभी देखो यही इसने कन्फ्यूजन अपना पूछा कि आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न्ड दैट आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये दोनों एक्सेप्शन है यहाँ पे। पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। अब पल्मनरी आर्टरी, मैं वही कह रही हूँ आपको, आर्टरी का मतलब जो हार्ट से जो निकल रही है वो आर्टरी है, और जो हार्ट के अंदर आती है वो वेन होती है। तो पल्मनरी आर्टरी भी निकल तो हार्ट से ही रही है, लेकिन बस एक चीज़ वहाँ पे गड़बड़ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, और बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट करते हैं कि भाई आर्टरी क्या है, वेन क्या है, और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा फंडा क्लियर रखो कि कोई भी जो ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकल रहा है बाहर की तरफ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, वो आर्टरी होगा, और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट में जा रहा है वो वेन होगा। सेम रूल ये अप्लाई करता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन पे भी, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगी, और दूसरी जो है पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगी। क्लियर है? डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स। तो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं स्मॉलर वेसल्स में, जिन्हें आप कैपिलरी बोलते हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज़ दे डिवाइड फर्दर इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरीज। जब आर्टरीज किसी टिश्यू के अंदर एंटर करेंगी तो वो फर्दर बहुत छोटी छोटी या बहुत पतली पतली उसमें डिवाइड हो जाती हैं ट्यूब्स में, जिनको कैपिलरीज बोला जाता है। ये कैपिलरीज दे ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इन टू द हर्ट। जो कैपिलरीज हैं फिर दूसरी तरफ जब मूव आउट करेंगी, बाहर निकलेंगी जब वो किसी टिश्यू से, तो वो ज्वाइन होके वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कैपिलरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी ऑक्सीजन है वो उधर चली जाएगी सेल्स के अंदर, और सेल्स से जो भी वेस्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर वेन्स के अंदर चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो कैपिलरीज में होगी। कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ठीक है, तो ब्लड पड़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स पड़ चुके हैं, अब मेन ऑर्गन जो आता है वो है हार्ट। हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। तो ये पम्प करता रहता है जिससे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ठीक है, और जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह कैरी होते हैं। इमेजिन अ पम्प वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। अब देखिए, आप बात करें तो हम बात करते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है, ये हमने बना लिया, वो बना लिया, बट नेचर ने जो बनाया है उसको हम कभी भी ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। कि जैसे ह्यूमन हार्ट की बात लगा लो कि बिना रुके ये सालों साल काम करता रहता है, समझ रहे हैं? तो येट योर हार्ट वर्क्स लाइक अ पम्प, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप चलता है ये, चाहे आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी हमने पढ़ा था कि जो रिब्स के और डायफ्राम के जो बीच का पोर्शन है उसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पे और कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है? हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इट लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर डिप टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो चेस्ट कैविटी में है जो उसका नीचे का पार्ट है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है बस।
होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम, तो आप हाथों की मतलब हथेली की आप मुट्ठी जैसे बनाते हैं, उतना ही साइज़ होता है हार्ट का, आपके जो फिस्ट का साइज़ है उसके बराबर ही साइज़ होता है हार्ट का। वट विल हैपन इफ़ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर, तो ऐसा कुछ मिक्सिंग नहीं होती है। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स, तो हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स होते हैं, तो ब्लड जो वेंस के थ्रू आता है वो किसके अंदर, वेना कावा के थ्रू किसके अंदर जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा। अब एट्रियम को आप आर्टरी के साथ मत मिक्स करना, ठीक है। जो ऊपर वाले लोब्स होते हैं उनको एट्रियम बोला जाता है और नीचे वाले लोब्स को वेंट्रिकल बोला जाता है। तो राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले वेना कावा यानी कि जो मेन वेन सिस्टम है उसके थ्रू किसके अंदर आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर ये वापस आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वापस आएगा, और आएगा किधर, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो मेन एओर्टा दिखा रखा है उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो अपर चैम्बर्स को एट्रिया बोला जाता है, सिंगुलर इसका है एट्रियम, एंड लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके बीच में जो पार्टीशन है चैम्बर्स के बीच में आप देख रहे होंगे कहीं पे भी मिक्स नहीं हो रहा, तो ये क्या करता है, वो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई मिक्सिंग तो नहीं हो रही, उसको मिक्सिंग नहीं होने देता क्योंकि अलग अलग चैम्बर्स हैं। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोज, तो जैसे जैसे इसने दिखा रखा है एरोज वैसे फॉलो करना है। दिस एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो जहाँ पे रेड दिखा रखा है वो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट साइड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, ठीक है। अब आते हैं हार्ट बीट के ऊपर, हार्ट बीट क्या है। वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स, जो मसल्स की जो वॉल्स हैं वो किससे बनी है, मतलब जो वॉल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, मसल से बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और फिर रिलैक्स करेंगी रिदमिकली, ठीक है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किया पूरा एक वो है साइकिल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट, ठीक है। तो हार्ट बीट हमेशा चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द राइट लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट, तो हल्का सा लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे अपनी चेस्ट के तो आपको हार्ट बीट फील होगी। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप, तो हार्ट बीट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा, स्टेथोस्कोप, उसको जब चेस्ट पे रखते हैं तो हार्ट बीट अच्छे से आप सुन सकते हैं। डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, तो जो हम हैंड रख के जो साउंड हमें आ रही है स्टेथोस्कोप में वो साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी, मीन्स आप अच्छे से उसको सुन पाएंगे, ज़्यादा उसमें सुनाई देगी आपको। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस एंड कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीसीज एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, तो ये ईयर पीसीज हैं जो कानों में लगेंगे, ट्यूब है एक ज्वाइनिंग जो चेस्ट पीस के साथ ज्वाइन होती है जो चेस्ट पे रखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेटोस्कोप, तो हार्ट बीट लिसन करते हैं कि उसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, कुछ अजीब तरह की साउंड तो नहीं आ रही, या बिल्कुल ही इरेगुलर हार्ट बीट तो नहीं है, उसके बाद फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। तो ये अपना एक एक्टिविटी 11.2 में अपना स्टेटोस्कोप मॉडल बना रहे हैं, तो क्या करा है, उसके लिए फनल लिया और उसके ऊपर रबर ट्यूब लगा दी नीचे इस तरह से,
और ऊपर डायफ्राम बनाने के लिए क्या करा उसने, एक रबर शीट लगा दी है फनल के ऊपर और रबर बैंड के साथ अच्छे से फिक्स कर देंगे। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर ईयर्स, जो ओपन एंड ऑफ ट्यूब है उसको कानों पे लगाइए और दूसरे वाले फनल को आप हार्ट पे लगाएंगे, ठीक है। और अब सुनने की कोशिश करेंगे तो, और मेजर करेंगे कि एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हुआ, तो अपनी और अपने फ्रेंड्स की हार्ट बीट नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई कितना डिफरेंस है या सबका सिमिलर आ रहा है क्या है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज, तो हार्ट बीट इज इक्वलेंट टू द पल्स रेट, जो हमने पल्स रेट देखा था वो आर्टरीज की में जो ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा था वो, और वो सेम होते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, तो पल्स रेट पर मिनट और हार्ट बीट जो हैं इक्वल होते हैं वो। रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिफरेंट बीट, तो जो हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। बूजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो द वाटर इन विच दे लिव उस वही उनको इट ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट इज़, ठीक है। तो बॉडी जो पानी उनके अंदर वो जाएगा उसी के थ्रू, वो खाना भी उसी के थ्रू आ रहा है, वेस्ट भी उसी के थ्रू बाहर निकल रहा है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, जैसे वो पानी बाहर जाएगा तो अपने साथ साथ वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर ले जाएगा। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड, तो उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, पानी के थ्रू ही वो उनका फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे इंग्लिश फिजिशियन। द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज दैट ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर दिस व्यूज हार्वे वॉज रेडिक्यूल्ड एंड बींग कॉल्ड, तो उसको काफ़ी अपने जल्लत भी सहनी पड़ी थी इस वजह से कि उसने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जैसा कोई फंडा बताया, ठीक है। तो अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो सर्कुलेशन में हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया, अब एक्सक्रीशन की बात करेंगे। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई बॉडी से, निकल गई बाहर। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है बॉडी में वो इजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड, बाकी के जो वेस्ट मटेरियल हैं वो कैसे निकलते हैं। When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. तो वो जब सेल अपने बॉडीली फंक्शंस परफॉर्म करती है तो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं और इनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ईजेशन और एक्सक्रीशन में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ईजेशन था एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो डाइजेस्ट नहीं हुए थे वो है ईजेशन। एंड एक्सक्रीशन क्या है, सेल्स में से वेस्ट का निकालना बाहर, दैट इज़ एक्सक्रीशन। और इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या, कौन से पार्ट हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनीज आती हैं, ना कि आप एनस और वो सब बताओगे, ठीक है। तो द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो कैसे रिमूव होगा। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, तो ब्लड की फिल्ट्रेशन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज, तो किडनीज में जब ब्लड जाता है तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये फंक्शन होता है कि आपका सारा जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है, उसके अंदर जो भी वेस्ट हैं वो सब बाहर निकलते हैं। व्हेन द ब्लड रीचेस टू किडनीज
इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब ब्लड किडनीज में जाएगा तो उसके अंदर दोनों तरह के सब्सटेंस हैं, यूजफुल भी हैं हार्मफुल भी हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस या जो वेस्ट हैं दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव्ड एज यूरिन। ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे और वहाँ से किडनी से जो है बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बन के ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल देंगे। फ्रॉम द किडनीज, किडनीज से जो यूरिन बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू द पाइप्स विच आर नोन एज यूरेटर्स के थ्रू जाता है। एंड नीचे आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा और फिर वहाँ से यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू जो है वो यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो किडनी से यूरिन यूरिटर्स से के थ्रू जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ ये स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एज एंड इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, द किडनीज यूरिटर ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा, किडनीज हैं, फिर यूरिटर्स जो यूरिन को लेके जाती है नीचे ब्लैडर में, एंड देन ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है एक दिन में 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पास आउट करता है। एंड यूरिन के अंदर होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया के अलावा कुछ यूरिक एसिड थोड़ा बहुत या और भी जो है अमोनिया या कुछ भी जो भी बनेगा वो सब बाहर निकल जाता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। स्वेटिंग होती है गर्मियों में। द स्वेट जो है, स्वेट के अंदर भी पानी एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। वो जो है सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्मड इन आर क्लोथ्स, तो अंडर आर्म्स वगैरह में। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। तो स्वेट में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से ये वाइट स्पॉट्स बनते हैं क्लोथ्स में। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, कूल डाउन करने का फंक्शन करता है। वी नो दैट वाटर कैप्ट इन द अर्दन पॉट इज कूलर। मटका में जो पानी रखा होता है वो ठंडा होता है। क्यों होता है सर, दिस इज़ बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। उसके जो मटके के पोर्स हैं उनके थ्रू वाटर बाहर की इवेपोरेट करता रहता है, तो जिसे अंदर वाला पानी जो है वो कूल डाउन होगा। तो इसी तरह से जो स्वेटिंग का भी सेम फंक्शन है वो भी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। द वे इन विच वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। तो अब कौन सा एनिमल किस तरह का वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो ह्यूमंस में यूरिया प्रोडक्शन होती है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश वगैरह में सेल वेस्ट को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, वो अमोनिया के फॉर्म में जो डायरेक्टली पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स लिजर्ड्स स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। तो ये जो भी एनिमल्स थे लाइक बर्ड्स लिजर्ड और स्नेक्स वगैरह, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में उसको बाहर निकालते हैं वेस्ट को। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। बाकी के भी होंगे बट बहुत थोड़े अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस इज यूरिया। समटाइम्स अ प्रेशियस अ पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग। तो कई बार अगर किसी इंसान की किडनीज काम करना बंद कर दें, किडनी फेलियर हो जाए, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, तो उनको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या तो उनका डायलिसिस होता है कि उन आर्टिफिशली मतलब मशीन के थ्रू मतलब सारा उनका ब्लड बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डाला जाता है। तो उस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो सिमिलरली ये हम पढ़ चुके हैं, स्वेटिंग होगी तो इट हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा कि एक्वेटिक एनिमल्स में मेजर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया है। लिजर्ड स्नेक्स और इस तरह के एनिमल्स में कौन सा है, यूरिक एसिड है। ह्यूमंस में कौन सा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया है। क्लियर है।
किडनीज काम ना करें, वेस्ट प्रोडक्ट्स अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक है, डायलिसिस मीन्स ब्लड इज़ फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, बाहर एक मशीन के थ्रू उसको फिल्टर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, अब हमने एनिमल्स का पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। इन चैप्टर वन यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वो वाटर और मिनरल्स लेते हैं थ्रू रूट्स, और फिर बाकी के पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स वगैरह। लीव्स प्रिपेयर फूड और उसको फिर बाकी के पार्ट्स में जो है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इस एनर्जी से सेल्स जो हैं सारे अपने फंक्शन करते हैं। तो फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। हाउ द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज कैरीड टू पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। ठीक है, तो लीव्स से फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और रूट्स से जो है वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लीव्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल उसके लिए क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। रूट्स हैव रूट हेयर, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो तरह के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जैसे ब्लड वेसल्स ह्यूमंस में थे आर्टरी एंड वेन, इसी तरह से प्लांट्स में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। द रूट हेयर इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्वड इन वाटर। तो रूट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्वड इन वाटर। ठीक है, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ताकि ज़्यादा एरिया उसके कॉन्टैक्ट में आए और ईजिली जो है एब्जॉर्ब हो जाए मिनरल एंड जो वाटर है। रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। Can you guess how water moves from roots to the leaves? What kind of transport system is present in plant? तो यहाँ पे बूझो things that plants may have pipes to transport water. तो pipes यहाँ पे भी present हैं, दो तरह के जो हमने transport या vessels जो पढ़े थे वो हैं xylem and phloem. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made of special cells forming a vascular tissue. तो स्पेशल टाइप की सेल्स से बने होते हैं ये हमारे जो टिश्यू थे, और इसलिए कौन से किस तरह के टिश्यू से बने होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। तो वेसल के अंदर जो सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, वो आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वेस्कुलर टिश्यू। टिश्यू इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो जाइलम क्या क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। रूट से लीव्स को कनेक्ट करता है जाइलम स्टेम के थ्रू होता हुआ, एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। तो पूरे प्लांट को जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड, द फूड जो फूड डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा वो कौन सा वेस्कुलर टिश्यू होता है, वो होता है फ्लोएम। तो साइलम एंड फ्लोएम, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स में कौन लेके जाएगा, साइलम, और फूड को लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स में कौन लेके जाएगा, फ्लोएम। दस साइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द प्लांट। ठीक है, अब टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। तो ये क्या इन्होंने दिखा रखा है, पानी राइजिंग एक्सपेरिमेंट है। पोटैटो में अगर आप उसको इस तरह से कैविटी बना के रख दोगे पानी के अंदर, तो कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो वो कैविटी में पानी जो है, मतलब जो सॉल्यूशन है वहाँ पे लेवल है वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, क्या करा है हमने, पोटैटो में कैविटी बना के उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल के उसको पानी के बीकर के अंदर रख देंगे।
उस टाइम बाद हम देखेंगे तो लेवल इन द कैविटी राइजेस, फ्लूइड लेवल इन द कैविटी राइजेस। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे। यू शुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर लेवल। तो ये किस तरह से गया अंदर, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इन द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। तो शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए वाटर जो है सेल टू सेल मूव कर सकता है, और इसी तरीके से जो है जाइलम वेसल्स में भी रूट से या वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल, इसी तरह से सॉइल से जो है जाइलम वेसल्स में पानी आता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है कि प्लांट रिलीजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पढ़ चुके हैं ये हम। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा पानी, जो पानी जितना एब्जॉर्ब करा है वो सारा प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता। जैसे हम जितना पानी पीते हैं हम सारा यूटिलाइज नहीं करते हैं, जो भी एक्सेस वाटर होता है वो वेस्ट को निकालने का काम करता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट्स भी सारे पानी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा। एक्सेस वाटर जो होगा वो इवेपोरेट करेगा थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है पानी, वो एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। ये जो इवेपोरेशन हो रहा है पानी का थ्रू द लीव्स, इसकी वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से जैसे आप पानी खींचते हैं उसी तरह का सक्शन पुल ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है प्लांट के अंदर प्रोड्यूस कर देती है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो जो अगर हम सोच रहे हैं कि भाई इतने लंबे होते हैं प्लांट्स तो जाइलम के थ्रू कैसे ऊपर की तरफ पानी जाता है, तो वो इस सक्शन पुल की वजह से जाता है जो ट्रांसपिरेशन कॉज करता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन भी, जैसे बॉडी में स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी कूल हो रही थी, वैसे ही ट्रांसपिरेशन भी प्लांट को कूल डाउन करने का काम करेगा, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमने कर लिया है, चैप्टर नंबर 11।